स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में बताई थी कर्ता कारक की परिभाषा और उसके चिन्ह। तो आज मैं बताऊंगी कर्म कारक की परिभाषा और उसके चिन्ह। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है, जैसे उसने बाघ मारा है, उसने शेर को मारा है। तो अभी नीचे में क्या है, उसने शेर को मारा है, जिसमें बता दिया जाता है क्या इसका चिन्ह कर्म कारक इसमें है। तो उसने शेर को मारा है, तो इसमें क्या है, कर्म कारक का चिन्ह है। अभी नेक्स्ट क्या है, कर्म कारक की परिभाषा और उसके चिन्ह। तो चलिए कर्म कारक की परिभाषा और उसका चिन्ह देखते हैं। जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से और द्वारा है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, वह चाकू द्वारा काटता है। इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, मैं कलम से लिखता हूँ, इसमें लिखने का साधन हो रहा है, वह चाकू द्वारा काटता है, तो इसमें काटने का साधन हो। यहाँ पे कलम से और चाकू द्वारा ये कर्म कारक है।